छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू ने 1,13,618 मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रचा दिया है। पूर्व सांसद नकुलनाथ को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा के इतिहास में पहली बार यहां का जन्म लिए व्यक्ति चुनाव जीता विवेक बंटी साहू है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आजादी के बाद से अभी तक एक बार छिंदवाड़ा का स्थायी प्रत्याशी नहीं जीता था। अपवाद के अलावा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद से अभी तक कुल 20 लोकसभा चुनाव में केवल 1997 में लोकसभा चुनाव में यहां पर भाजपा की सुंदरलाल पटवा ने जीत हासिल की थी। इसके अतिरिक्त 18 बार से यहां पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 1980 में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ यहां से चुनाव लड़े थे। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा एक बार उनकी पत्नी अलकानाथ और एक बार पुत्र नकुलनाथ भी सांसद रह चुके हैं। इस बार चुनाव में उनके पुत्र नकुलनाथ दोबारा मैदान में थे। कमलनाथ अभी तक सिर्फ एक चुनाव सुंदरलाल पटवा से हारे हैं। इसी बीच 1,13,618 मतों से जीत दर्ज कर कांग्रेस का किला ढहाने में बंटी साहू कामयाब हुए हैं। आज छिंदवाड़ा ने इतिहास रचा है और छिंदवाड़ा मोदी जी के गरीब कल्याण, जन कल्याण और जो मोदी जी का सपना है विकसित राष्ट्र का, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसमें पूरा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छिंदवाड़े की जनता ने भारी बहुमत, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलवाई है। मैं छिंदवाड़े के जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि छिंदवाड़े के कार्यकर्ताओं को जब जब आवश्यकता पड़ी और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ मुख्यमंत्री जी आए। मैं माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया और संगठन की मजबूती के लिए हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया, उसमें चल करके हमने संगठन को मजबूत किया और छिंदवाड़े की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सबका बहुत बहुत। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता गरीबों तक के सरकार की योजनाएं पहुंचे, गरीब कल्याण के जो मोदी जी का सपना है और विकसित भारत जो 2047 तक हमें विकसित राज्य बनाना है उसमें छिंदवाड़े की भूमिका क्या हो सकती है। छिंदवाड़े के युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, ट्रेनों की सुविधाओं का मुद्दा है, प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, उसे हम पर्यावरण के नक्शे में कैसे उभार सकते हैं, ये सारी बातें हैं जिसे हमको आगे जाके करनी है। मैं हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने समय समय पर हमें उचित स्थान दिया और जो सच्चाई और जो झूठ की बातें होती थी उसको भी मीडिया के साथियों ने पहचान करके उसे सही तरीके से दिखाने का काम। NBC न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।